हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार कॉकटेल साइकोलॉजी ट्रैवल में। बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैड्रिड से आया, उसके बाद आज बहुत दिनों बाद इतना जो है सनी वेदर है, इतना बढ़िया झकास वेदर है। वैसे तो इतना खराब वेदर हो रखा था पिछले हफ्ते, तो रोड पे चलना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा विंडी था, इतना ज़्यादा सनी था, दिमाग खराब होके रखा था। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप माल्टा मूव होना चाहते हैं। एंड मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई, मेरा एक मोबाइल टूट गया, आपने स्टोरी देख ली होगी, मेरा लैपटॉप लड़ गया, ये वाला मोबाइल जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी दो तीन बार गिर गया, कल ही सब कुछ हो गया, लैपटॉप भी लड़ गया वॉल में बैंग करके, तो सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो मेरे पीछे व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो मस्त ब्लू सी दिख रहा है आपको। सी थोड़ा सा अभी भी रफ है, मतलब वेव्स वगैरह काफी हार्ड हिट कर रही है, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से। मुझे हमेशा याद रहेगा इस 7th फ्लोर और ये व्यू। सो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप माल्टा मूव होना चाहते हैं ना गाइस, सबसे बड़ी आप एक चीज कर डालो, वो कर डालो यहाँ की एक क्लॉक सेट कर लो मोबाइल में, एडिशनल क्लॉक। ये सबसे प्रॉपर चीज आप करो, आप कभी भी किसी को किसी टाइम मैसेज नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप माल्टा मूव हो रहे हो और यहाँ के एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो यहाँ के टाइम के अनुसार कॉन्टेक्ट करो। सुबह 9 बजे तक ऑफिस यहाँ पे खुल जाते हैं, तो 9 बजे से लेके शाम के 3-4-5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं, सारे ईमेल पीछे चले जाते हैं। तो बेस्ट टाइम है आप इंडिया में बजे होंगे 12-1, तभी अपना काम कर, तभी अपना ईमेल वगैरह डालना चालू करो, ठीक है? और यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 9-10, उस समय ईमेल डालोगे, सबसे पहले कोई आएगा, अपना लैपटॉप खोलेगा, अपना ईमेल बॉक्स चेक करेगा, सबसे पहले आपका ईमेल दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी कॉल कर रहे हो रात के 3 बजे, मुझे भी कॉल्स वगैरह आते हैं, मैसेजेस वगैरह आते हैं रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे, सुबह 7 बज जाते हैं इंडिया में, तो कॉल मैसेजेस आने लगते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप थोड़ा ध्यान रखो, कोई भी होगा इरिटेट हो जाएगा। मैं तो चलो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो इतना कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, किस टाइम आप उनको मैसेज कर रहे हो, किस टाइम आप उनको ईमेल डाल रहे हो, किस टाइम आप उनको कॉल कर रहे हो, इस चीज़ को लेके हमेशा याद रखो। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके एक्सपीरियंस को लेके। तो अगर आप माल्टा जाना चाहते हो, माल्टा में जॉब करना चाहते हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले लो। रेलेवेंट एक्सपीरियंस मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है कि ऐसी जगह आप काम कर लो जो आपके, मतलब जिस जॉब में आप जाना चाहते हो, एटलीस्ट अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो बिना किसी एजेंसी को फीस दिए, बिना कहीं पे पैसा खर्चा हुए, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटर है आप उस फील्ड का एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपके पास 1 से 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई कौन क्यों हायर करना चाहेगा? आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जॉब करके आप अप्लाई करना चाहते हो, कोई क्यों हायर करना चाहेगा? मान लो आज आपने काम किया अकाउंटेंट का, कल काम किया आपने सेल्समैन का, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मतलब प्रोफाइल रिलेवेंट होनी चाहिए। आपका एक ही एक्सपीरियंस, उसी में आपका प्रमोशन हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस एक ही होना चाहिए, वो बहुत बेटर रहता है। और इससे रिलेटेड तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि आप बिना एक्सपीरियंस के भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग देखें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो यहाँ पे आ गए हैं, इंग्लिश भी बोलनी आती नहीं, आ गए, वो एजेंसी को पैसा देके आते हैं। अब एजेंसी जेन्युइन है कि नहीं है ये डिपेंड करता है, एजेंसी आपका पैसा लूट के चली गई है तो फिर आप तो परेशान हो जाओगे। वैसे भी माल्टा के लिए जो माल्टा आना चाहते हैं ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर, मतलब लो क्लास फैमिली से, लो क्लास से मेरा मतलब है थोड़ा सा गरीब परिवार से हैं, जैसे कि जिनके इनकम बहुत कम है, तो वही तो आना चाहते हैं ना अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। तो आप एक तो एक आपके पास पैसे कम है, ऊपर से आप एजेंसी को पैसे देंगे और उसमें भी भरोसा नहीं कि वो एजेंसी पैसे लूट के चली जाएगी, आपको पैसे पूरे मिलेंगे, जॉब वापस मिलेगी, पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज़ को लेके हमेशा ध्यान रखो, एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई ऐसी एजेंसी पकड़ो, माल्टीज एजेंसी पकड़ो जो आपका प्रॉपर करा दे काम। आप ऐसी एजेंसी मत पकड़ो जो इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पैसा लूट लेती हैं, आपका पैसा लेके चली जाती है, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये सब किसी को भी पैसा मत दे दो। फेक ऑफर लेटर बना के देना चुटकियों का काम है,
एडिट किया ऑफर लेटर भेज दिया, एडिट किया प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर भेज दिया, तो वो सारी चीजें फेक हो जाती है। तो बेटर है मॉल्टीज एजेंसी पकड़ो, यहाँ पे कुछ फेक काम नहीं होता है। जो एजेंसीज यहाँ की है वो रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसीज होती है, तो अगर वो उनको थोड़ा सा पैसा भी देना पड़ रहा है ना तो दे दो, थोड़ा जेन्युइन होता है वो जेन्युइन बोले तो कि आपका काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम होगा, पैसे कम मिलेंगे लेकिन आप आ जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप आ जाओगे। तो ये ट्राई करो लोकल माल्टीज एजेंसी पकड़ने का, ना कि बाहर गई एजेंसी के थ्रू जाओ जो आपका पैसा लूट ले। वो एजेंसी पता क्या करती, वो वही एजेंसी को कॉन्टेक्ट करती है माल्टा में, जो बाहर की एजेंसी होती है माल्टा की एजेंसी को कॉन्टेक्ट करती है और उनसे आपसे ढेर सारा पैसा लेके उनसे कम पैसे में काम कराती है। मतलब प्रोसेस वही होना है, एजेंसी टू एजेंसी ही काम होना है, ऐसा नहीं है कि वो एजेंसी यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करके आपसे पैसा लेती है 5-6 लाख रुपए, वो भी एजेंसी को ही कॉन्टेक्ट करती है यहाँ पे। सो अप्लाई करो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अप्लाई करो एजेंसी के थ्रू, बट वो होनी चाहिए मॉल्टीज एजेंसी, ना कि किसी और ऐरी गैरी एजेंसी पे जाके पैसे देके आ जाओ और फिर बाद में परेशान हो कि इतना पैसा चला गया उतना पैसा चला गया। तो इस चीज को ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस रिलेवेंट ले लो, और अगर नहीं भी है कुछ भी तो एजेंसी के थ्रू जाओ, लेकिन जेन्युइन एजेंसी के थ्रू जाओ। और थोड़ी तो यार काम करना है तो थोड़ी इंग्लिश तो सीख ही लो ना, इतना तो कर ही सकते हो, पैसा कमाने की चाह है पैसा कमाने के इच्छुक हो तो इतना खुद को बिल्डअप भी कर सकते हो ना, उसमें क्या जा रहा है, खुद को बिल्डअप कर लो, खुद को इस लायक बना लो कि हाँ लोग आपको रेडी हो हायर करने के लिए। आप उस लायक ही नहीं हो तो क्यों हायर करना चाहेंगे, अब ये भी तो समझो। और एक बात याद रखना, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ मैं जो बोलता हूँ एकदम सत्य बोल देता हूँ, सत्य बोले तो एकदम जेन्युइन है, जो है सामने है, कुछ पीठ पीछे नहीं है, जो है सामने है आपको सच बता रहा हूँ, ये है एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट करना है आपकी मर्जी, जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आपको खुद को बनाना है तो खुद को बनाओ, खुद को बिल्डअप करो और जॉब पाओ, एज सिंपल एज है। अब एक और चीज जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है आपका सीवी और कवर लेटर, माल्टा आने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूरोपा सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। और वो यूरोपा सीवी कवर लेटर में आपकी जॉब, जहाँ पे आपने जॉब करी है जहाँ पे आपने काम किया है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया, क्या मतलब पोजीशन वाइज आपका डिस्क्रिप्शन, जहाँ जहाँ काम किया उस पोजीशन का क्या डिस्क्रिप्शन है, आपकी समरी, आपका कोई सर्टिफिकेट एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो, आपका कोई अवार्ड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें उधर मेंशन होनी चाहिए। अगर आप अपना सीवी बना रहे हो यूरोपास का तो अपने खुद से भी बना सकते हो, उधर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जहाँ पे ये वीडियो आपको मिल रहा है यहीं पे सर्च करोगे कैसे बनाना है, खुद से भी बना सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि खुद से बनाओ, अगर नहीं बना सकते हो तो मुझे मैसेज करो मैं बना दूंगा। और एक सबसे लास्ट पॉइंट है पेशेंस रखो, जिसको ऑफर लेटर मिल जाता है वो भी पेशेंस रखो, जिसको नहीं मिला है जो अप्लाई कर रहा है वो भी पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे सारे काम हो जाएंगे। ऑफर लेटर मिलने के बाद भी इंटरव्यू नहीं हो रहा है ये नहीं हो, मतलब ऑफर लेटर मिलने के बाद भी प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्लाई नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए पेशेंस रखो भाई, धीरे धीरे होता है, सारे प्रोसेस होते हैं। वर्क परमिट अप्लाई हो गया यानी प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर अप्लाई हो गया है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने टाइम लग जाता है प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर प्रोसेस होने में, कभी 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 15 दिन में आ जाता है, तो पेशेंस रखो सारे काम हो जाएंगे। सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, और अगर आपके पास स्किल्स है अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब पाने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है, दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, आपको आगे आगे अपडेट्स मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है आने वाले वीडियोज में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, कीप अप्लाइंग एंड डोंट लूज योर होप, बाय बाय।